मैंने भागते वहाँ पे एक धर्मेंद्र भाई दुकान पीसीओ चलाते हैं, मैंने वहाँ भाग के गया तो उन्होंने शोर मचाया, शोर मचाने के बाद अपराधी यहाँ से भागे हैं। इसके बाद 100 नंबर पे फोन किया गया, 100 नंबर बूथ लिए, 112 नंबर पे एक घंटे 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। सर मेरे साथ किसी विवाद ही नहीं है सर, इतने से 5 साल से मेरे साथ प्रधान, मेरे साथ किसी से कोई विवाद नहीं था। अब्दुल्ला से 4 दिन पहले घटना से 4 दिन पहले विवाद हुआ था, 4 मार्च को उस दिन गोली लगी, उसी दिन फरार हो गया। कैसे पता चला? जैसे उनके घर पे ताला लगा है ना, कोई परिवार नहीं सुना है। मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था चाचा जी, चुनावी रंजिश माना जा सकता है, उनकी आपसी रंजिश सर उसको माना जा सकता है, और जो भी हो। लेकिन अब अब्दुल्ला खान इसको बताएंगे किस वजह से उसको गोली मरवाए हैं सर, 100% वही गोली मरवाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, घुमक्कड़ के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग इस वक्त आजमगढ़ के सरायमीर रोड पे मौजूद हैं। आजमगढ़ ज़िले से जो सरायमीर की तरफ रोड आया है उस पे हम मौजूद हैं। एक मार्केट है जिसका नाम है दिलौरी। यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी, जो आप भीड़ मेरे पीछे देख रहे हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें जब भीड़ दिखाई दी तो हमने भीड़ का सबब जानना चाहा। आकर जब हमने यहाँ पे दरियाफ्त किया, इनसे पूछा कि क्या मामला है, आखिर कैसी भीड़ लगी है, तो हमें जो कुछ भी बताया गया उसे जब आप सुनेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है आजकल आजमगढ़ ज़िले में। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, उसका जीता जागता नमूना है। यहाँ पे जो पब्लिक इकट्ठा है उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और यहाँ पे मुझे बताया गया है कि एक मुरादाबाद गांव है, वहाँ के प्रधान की पीछे जो दुकान आपको दिख रही है वो मुरादाबाद के ग्राम प्रधान हैं, उनकी दुकान है यहीं पर, इसी जगह पर। उनका कहना है कि इसी जगह पर उन्हें गोली मारी गई है, और हमने देखा है कि गोली के निशान भी उनके यहाँ पे गर्दन के आसपास मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं, खुद बातचीत करते हैं उन प्रधान जी से जो मुरादाबाद के ग्राम प्रधान हैं और उनकी यहाँ पे दुकान है, और उनसे जानते हैं कि क्या घटनाक्रम थी, आखिर क्यों उनको गोली मारी गई, क्या वो किसी को पहचानते हैं, क्या उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस का एक्शन किया, इन सब बातों पे आपसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये घटना इनके साथ घटी। क्या नाम है? मोनू कुमार यादव। मोनू, आपको कब ये घटना आपके साथ कब? 7 तारीख को सर। 7 मार्च। 7 मार्च को। आज 21 मार्च जी। 14 दिन हो गया सर। 14 दिन हो। तो कैसी ये घटना घटी थी? आप एक गांव के प्रधान हैं, क्या चुनावी रंजिश या कुछ, क्या बताएं सर? 4 दिन पहले यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अब्दुल्ला खान जो है उनसे कुछ जमीन, 4 दिन पहले चार मार्च को, 7 मार्च से पहले, हाँ 4 मार्च को उसके कैंपस हम लोग गए, तो कैंपस जब गए तो खुद ही गाली गलौज से देते हुए कैंप पिस्टल निकाल लिया। और गाली देते हुए हम लोग कहा कैसे तुम अंदर आ गए, क्योंकि मैं गांव का प्रधान था, मैं सोचा जमीन का विवाद है जाके हल करवा दूँ। वो भी जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी आपके गाँव? हमारे गाँव। तो मैं इस वजह से गया, और साथ में तो हमराही भी थे। तो मैंने सोचा कि मामला आगे ना बढ़े, उसका जो हम उसका विवाद हल कर दे। तुरंत गाली देते हुए हम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, अब पिस्टल भी, हम जो बाहर नहीं निकले तो पिस्टल भी तान दिया। क्या कि किसी को लेके गए? हाँ, हमारे साथ में ताहिर भाई थे, अनिल महाप्रधान थे, यहाँ पे नहीं है, निजामाबाद के हैं। तो उनसे भी जमीन कभी का लफड़ा था, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कैसे अंदर आ गए, और गाली देते हुए पिस्टल निकाल लिए, और कहें कि निकल जाओ ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम कहें यार जमीन का विवाद है, ठीक है, इसको कोर्ट साबित करेगा विवादित है कि नहीं विवादित है, और रे हम तुम तो साबित नहीं कर सकते। अगर कोर्ट का उस पर स्थगन आदेश है कि उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, कोर्ट उस पर स्टे दिया हुआ है, उसका वो पालन नहीं करते, उस पर निर्माण कार्य करवा रहे थे। तो ये बात हमारे थाना प्रभारी जी को भी पता था, और जो साथ में हमारे गए थे उनको भी पता था, हमने फ़ोन से सूचना दे रखी थी। ये रानीसराय थाना अंतर्गत था? जी, रानीसराय थाना अंतर्गत था, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और 4 दिन पहले की घटना की बात थी, तूतू में थी, लेकिन 7 तारीख को हमारे घटना को अंजाम दिया गया। 7 मार्च को, 3-4 मार्च के आसपास आपसे तूतू में होता है, और तूतू में होती है, 7 को आपको गोली, 7 गोली मारी जाती है, वो भी 7:15 बजे रात, शाम को, शाम में 7:15 जी। अच्छा, तो क्या भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई लोग थे नहीं यहाँ पे? छोटी सी चट्टी है सर यहाँ पे, मतलब जैसे ही शाम होती है लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई भीड़ नहीं थी। चूंकि मेरी किसी से कोई देखा किसी को? उन्होंने हेलमेट लगा रखा था सर, अपना मुंह लोग,
थे, दो लोग थे यहाँ पे, कट्टा भाई बरामद हुआ था। एक लोगों से मैं तो बाज गया, गोली लगने के बाद उन्होंने मेरे यहाँ पे उंगली डाल दी थी, यहाँ पे गिल्ली गोली लगी है सर। ये बटन खोल के देखने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ पे इनके गले में ही गोली मारी गई। हाँ, गले में गोली मारी गई थी। ये आप देख रहे हैं चोट के निशान, और थोड़ा सा इसको और खोल करके दिखाएं तो थोड़ा बेहतर तरीके से। ये इसको दिन दहाड़े ही कहा जा सकता है, 7 बजे का वक्त कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है। इनको गोली मारी गई, आप देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक ये ऑपरेट किया गया है। तो ये सर में पूरा टाका लगा था, उन्होंने कट्टी के बट से इसको मारा था। अच्छा, उसके बावजूद से? हाँ, मैंने बाद उसे हमने भिड़ गए, जो गोली लगने के बाद उसे भिड़ गए तो कट्टे के बट से मारे हैं। तब उसको पटका था तो नहीं मार पाए, तो मेरे इसमें उंगली डाल दी है, जिसमें गोली लगी थी उसमें उंगली डाल दी है। तब मैं उसको झटके पीछे फेंका तो मैं वहाँ से जान बचा कर अपना भागा हूँ। अपराधी ने आपके गले में जहाँ पे चोट लगा था वहाँ पे अपनी उंगली फंसा के, जहाँ पे चोट गोली लगी थी उसमें उंगली डाल दिए थे। उसके बाद आपने किसी को सूचना दिया? तुरंत मैंने भागते, वहाँ पे धर्मेंद्र भाई दुकान पीसी वो चलाते हैं, मैंने वहाँ भाग के गया तो उन्होंने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद अपराधी यहाँ से भागे हैं। इसके बाद 100 नंबर पे फोन किया गया, 100 नंबर बहुत ली, 112 नंबर पे एक घंटे डेढ़ घंटे बाद पुलिस पहुंची है। 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ के स्थायी लोग खुद ही बताएं कि पीछे हम चले गए थे हॉस्पिटल। ये हाल है पुलिसिंग का, जो सरकार दावा करती है, पुलिस दावा करती है कि 112 नंबर पे तत्काल फ़ोन करिए, आपको कुछ ही मिनटों में 10 से 15 या 20 मिनट के अंदर आपको पुलिस की सहायता मिलेगी। तो वो सहायता 1.5 घंटे जी। उसके बाद हमारे मित्र लोग आए, हमको लेके लाद के लेके चले गए हॉस्पिटल। और यहाँ पे और कोई भी अधिकारी पहुँचा, जो भी उच्च अधिकारी पहुँचे, 1 से 1.5 घंटे बाद ही पहुँचे हैं। और हर उनके अपराधियों के हेलमेट और कट्टा भरा हुआ सब कुछ यहाँ पे बरामद हुआ था, लेकिन सब लोग 1 घंटे बाद ही यहाँ पहुँचे हैं। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, करीब 14-15 दिन का दिन बीत गया सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा परिवार पूरा परिवार दहशत जी रहा है, और कभी भी हमारे साथ अपनी घटना घट सकती जब तक कि घटना जो है अपराधी पकड़े ना जाते हैं। किसी के खिलाफ कुछ मतलब एप्लीकेशन दिया पुलिस को? जी, हमने अब्दुल्ला के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने पूरे राजी संजिश के साथ सर हमारे इस घटना को अंजाम दिया है। आप कैसे श्योर हैं कि अब्दुल्ला ने इस घटना? मेरे साथ किसी के विवाद ही नहीं है सर, इतने से 5 साल से मैं सर प्रधान हूँ, मेरे साथ किसी से कोई विवाद नहीं था। अब्दुल्ला से 4 दिन पहले विवाद हुआ था, 4 मार्च को घर छोड़ के फरार हो गया। जिस दिन गोली लगी उसी दिन फरार हो गया घर से छोड़ के। कैसे पता चला? जैसे उनके घर पे ताला लगा है ना, कोई परिवार नहीं इस समय है, उस वक्त भी कोई नहीं, कोई नहीं है उस दिन से। आप लोग कौन है? भतीजा है इनके। घर के सदस्य? जी। अभी भी उनके घर पे कोई लोग? कोई नहीं उनके घर पे सर, सब लोग फरार हैं। गाँव के? क्या पुलिस आई थी जाँच चेक करने जा रही है, वहाँ पर फरार है, पुलिस कोई काम ही नहीं कर रही है। बस कह रहे हैं पता बताओ जो है, उसके बाद NPW निकलवा रहे हैं, पता दो तो हम फिर वहाँ जाके पकड़े। नहीं कहा कि हम कैसे पता दे सकते, अपराधियों को खोजना वही हम लोग कह रहे हैं पुलिस अपना काम कर रही है, खोज रही है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई 14-15 दिन हो गया, कब तक प्रशासन जो है खोजेगा, काम करेगा? तो कोई वहाँ पर ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। आपने उच्च अधिकारियों से नहीं संपर्क किया, CEO से संपर्क किया हो या? हमने सर SP साहब से, महोदय से मिलने की बहुत कोशिश की, हमने वहाँ पर गया भी, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। इला मारन जी साहब हमारी फ़ोन से बात हुई, कहें ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं, इस हिसाब से हमने बात की है, अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन साहब तो बैठते हैं सुबह ऑफिस में? जी सर, हमने गया तो हमको पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन हम जैसे ही पहुंचे वो निकल चुके थे। दोबारा आपने प्रयास नहीं किया? दोबारा सर अभी अवस्था नहीं जाने में, डॉक्टर बोले थोड़ा सा रेस्ट के लिए अभी निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सोमवार से उनको फिर मुलाकात उनसे करेंगे। और लेकिन फिलहाल अपराधियों का सर बहुत मन बड़ा हुआ, लेकिन रूमर उड़ा रहे हैं गांव में जिसे अगल बगल में कि अभी तो हम ही मारे हैं, बच गया, लेकिन दोबारा बचने बचेगा नहीं होगा। अभी हम पड़ोसी हैं भाई साहब, एकदम पड़ोसी, एकदम करीबी के। कैसे पता चला आपको? हमको तो हम तो साहब में नगर थे, वहाँ से हमको पता लगा कि हाँ जैसे कि ऐसा ऐसा काम हो गया है, मोनू प्रधान को गोली लग गई है, फिर भी धमकी दे रहे हैं लोग की मारने के लिए। आपका कोई जैसे आपराधिक इतिहास या कुछ मुकदमा वगैरह? 151 तक का भी चलान कोई नहीं है। 151 का भी कोई? जी कोई नहीं, मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। बस आपका वो जो आखिरी विवाद हुआ था वो काम में वही टांग लड़ाते थे ना, कोई भी काम क्यों जैसे कोई भी व्यक्ति काम हो तो उनको आपत्ति होगी, इसीलिए वो काम में हर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था। चाचा जी ये चुनावी रंजिश? चुनावी रंजिश भी माना जा सकता है, उनकी आपसी रंजिश भी सर उसको माना जा सकता है, और जो भी हो। लेकिन अब अब्दुल्ला खान इसको बताएंगे किस वजह से मुझको गोली मरवाए हैं सर, 100% वही गोली मरवाए हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उस दिन भाई साहब के सामने
भाई साहब के साथ में मैंने दो कांस्टेबल थे, उसके सामने अब्दुल्ला ने अपनी सर्विस रिवाल्वर या पिस्टल जो भी हो इनके ऊपर थान दी। हाँ, स्कूल में गए थे वो कांस्टेबल, इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दी। आप लोगों ने नहीं बताया था पुलिस को कि थाना अध्यक्ष को बताया? हमने हमारे साथ इस तरह का हरकत हमने बताया था, ठीक हम बबलू बुलाएंगे, आप बुलाएंगे, समझा देंगे, इसी कोई घटना नहीं घटे। बुलाया उन्होंने? किसी को नहीं बुलाया उन्होंने, किसी को नहीं बुलाया। तीन चार दिन बाद यानी सात, हाँ जी, चार दिन बाद हमको गोली मार दी जाती है। आपका क्या कहना है इस तरह से? अगर है तो आप तो भय के माहौल में जी रहे हैं, आपने कहा कि मुझे खौफ है कि हो सकता है मेरे साथ दोबारा घटना ना हो जाए इस तरह की। सर अगर प्रशासन नहीं कोई कार्रवाई करेगी मेरे साथ दूसरी घटना घट सकती है। मेरा पूरा परिवार सर, मेरे पास तीन बच्चे छोटे छोटे हैं, पूरा परिवार सर खौफ में जी रहा है। मेरी बीवी बच्चों का बुरा हाल है और घर मेरा बहुत एकांत पड़ता है सर, कभी घर देखेंगे तो बहुत सीवान में घर है और बहुत स्थिति बहुत वहाँ पे डगमग है सर। तो देखा आपने, हमने बात किया मुरादाबाद के ग्राम प्रधान हैं, यहाँ दिलोरी मार्केट में इनकी दुकान है, यहीं पे अपना दुकान इन्होंने किया था। इस भीड़ का सबब भी हमें पता चल गया कि क्यों यहाँ पे भीड़ लगी। हमने भीड़ देखा तो रुक करके यहाँ पर आए और पूछा जब कि क्या मामला है, तो इन्होंने बताया कि भैया हमें गोली लगी है। तो फिर आगे जब बात किया तो इन्होंने कहा कि एक छोटे से विवाद की जड़ यहाँ तक पहुँच गई कि इनको गोली मार दी गई। हालांकि इन्होंने आरोप लगाया है उस स्कूल के प्रबंधक के ऊपर, जिनके स्कूल में ये जमीन के विवाद का समझौता कराने के लिए या बात करने के लिए गए थे, वहाँ पर इन पर पिस्टल तान दी गई थी। और इन्होंने बताया कि उसकी सूचना भी उन्होंने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने शायद गवारा नहीं समझा कि उस मामले की तफ्तीश करते, बुलाते, समझाते या जो कुछ भी था उस घटना का पटाक्षेप करते अगर अपराध हुआ था तो उस आरोपी को, उस व्यक्ति को जिसने भी पिस्टल ताने थे, उसको गिरफ्तार करते, सजा मिलती तो शायद डर होता, कानून का खौफ होता। लेकिन शायद पुलिस अपना काम करना भूल गई है, जिससे दिनों दिन अपराध आजमगढ़ जिले में बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वानगी जो है कुछ इस तरह से दिख रही है। आसपास की जनता भी भयभीत है, ग्राम प्रधान खुद भयभीत हैं, वो आशंकित हैं अपने जिंदगी के लिए कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इनको ये भय बना हुआ है, पुलिस प्रशासन पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब सरकार को ये देखना है कि किस तरह की पुलिस व्यवस्था आजमगढ़ जिले में हो रही है, आखिर लोगों को खौफ से कब निजात मिलेगा, लोग खौफ के साए से कब बाहर निकलेंगे, एक बड़ा सवाल है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।